आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ और क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन एज होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट फर्स्ट इज वेजिटेबल ऑयल रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड इट गिव्स वेजिटेबल घी सो अगर हम देखें जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी जो वेजिटेबल ऑयल है वो हमारा लिक्विड में एज अ लिक्विड की तरह प्रेजेंट है और जो हाइड्रोजन है वो हमारी गैस है और जो हमारा कैटलिस्ट है वो हमारा सॉलिड है तो अगर हम देखें जो कैटलिस्ट है और जो हमारे रिएक्टेंट हैं इनका डिफरेंट फेज़ है तो डेट मीन्स जो फर्स्ट है हमारा ये है हमारा हाइड्रोजीनस कैटलिस्ट है हाइट्रोजेनस कैटलिस्ट अब जो हाइट्रोजेनस कैटलिस्ट होते हैं वो हमारे वो उस टाइप के कैटलिस्ट होते हैं जिसमें जो हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है वो हमारा डिफरेंट फेज में होता है जो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट होते हैं वो हमारे डिफरेंट फेज में होते हैं सो रिएक्टेंट एज वेल एज कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज अगर हम बी की बात करें तो इसमें क्या है हमारा जो एक्वस है वो भी हमारा लिक्विड होता है वाटर भी हमें लिक्विड में प्रेजेंट है और जो हमारा ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है ये एक्वस में दे रखा है ये हमारा लिक्विड में ही है सो तो अगर हम इसमें देखें तो जो हमारे रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है वो हमारा सेम फेज में प्रेजेंट है ये हमारा होमोजिनस कैटलिस्ट है जो हमारे होमोजिनस कैटलिस्ट होते हैं उसमें क्या होता है जो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट uh, होता है वो हमारा सेम फेज में प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट वेल आर इन क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर